देखो, अगर आपको ना 10 काम रहते हो और आप बहुत आलसी हो, तो आपको क्या करना है, पास्ता लेना है और उसको मेरे इस तरीके से ज़रूर बना के देखना है। बढ़िया मस्त बन के तैयार होता है। आपके पास तो जो जो चीज़ें हैं ना, सब ले लो आप, जो जो भी आप पास्ता में डालना पसंद करते हो। कढ़ाई में डालना थोड़ा सा तेल, 3 चम्मच गरम करना, उसमें 1 चम्मच राई डालना हो तो डाल देना, क्योंकि मैं इंडियन तरीका ट्राई कर रही हूँ। और फिर डाल देना आपको अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से भूनना है। फिर प्याज शिमला मिर्च मटर डाल के ना थोड़ा सा फ्राई कर लेना। उसके बाद हम एक टमाटर डाल देंगे नॉर्मल साइज़ का, थोड़ा टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखना क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छे से भुनने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और नमक आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो और बाद में भी ऐड कर सकते हो। काली मिर्च का पाउडर ऐड करना है, और साथ में ही आप सॉसेस डाल देना जो भी आपको पसंद हो, सोया सॉस वगैरह, टोमेटो केचप, मेयो, जो भी आपको पसंद हो। मेरे पास जो था मैंने वही डाला है, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, मिर्च, नमक डाला है, और ये मेरे पास पास्ता मसाला रखा था। अगर आपके पास मैगी मसाला, कोई भी मैजिक मसाला वगैरह हो, आप डाल देना आधा पैकेट, ठीक है। अच्छे से भूनना है, मिक्स हो जाएगा जैसे ही। आप हर्ब्स भी और भी एक्स्ट्रा डाल सकते हो, जो भी आपको चिली फ्लेक्स वगैरह खाना हो। पानी डाल देना यहाँ पर और थोड़ा सा मिक्स करना पानी में। हल्का सा गर्म होने पर आपको 1 कटोरी लेना है मैक्रोनी या पास्ता, जो भी आप बोलते हो। आप अपनी पसंद का ले सकते हो, किसी भी साइज़ का, किसी भी शेप का, और बस इसको उबलने के लिए रखे रहने देना है। लेकिन पानी ध्यान से डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम नहीं डालना। लगभग मैंने 1 गिलास पानी डाला है 1 कटोरी पास्ता के लिए। अच्छे से चढ़े ही रहने देंगे, मतलब 5-7 मिनट के लिए मैंने चढ़े रहने दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। उसके बाद आपको चीज़ डालना है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देना इसको और बस ढक के रख देना 2-3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा टाइप से हो जाए और अच्छा बन के तैयार होता है, क्रीमी टेक्सचर रहता है इसका। बाकी थोड़ा सा ढक के, और फिर अगर हरा धनिया खाते हो तो गार्निश कर देना, अदरवाइज आपको ऐसे ही खाना है। बहुत अच्छा लगता है, ट्राई ज़रूर करना, कम मेहनत वाला है, जल्दी से बन के तैयार हो जाता। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना कि कैसा बना है, बाकी कमेंट करके ये भी बताना कुछ गड़बड़ी की हो तो। और हमारा रेडी है पास्ता। मैं थोड़ा सा हरा धनिया खाती हूँ इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन।